पितरों के श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान हमारे पितर किसी भी रूप में धरती पर आ सकते हैं, इसलिए इस दौरान कहा भी जाता है कि किसी को भी घर से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कई कारणों की वजह से हम श्राद्ध या पिंड दान नहीं कर पाते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज मोक्ष और शांति के लिए धरती पर आते हैं, लेकिन जब उनके परिजन उनका श्राद्ध या पिंडदान नहीं करते हैं तो वो दुखी होकर मृत लोक लौट जाते हैं। उनके इस दुख और श्राप से बचने के लिए आपको उनका श्राद्ध करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी कारणवश आप उनका श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ऐसे काम हैं जो पितृ पक्ष में रोज़ किए जा सकते हैं, जो कि पिंडदान के बराबर माने गए हैं। दान पुण्य करने के साथ कुछ काम श्राद्ध पक्ष में करना पिंड दान की तुलना में माने गए हैं। चलिए फिर आपको बताते हैं उन कामों के बारे में जो कि श्राद्ध करने के बराबर ही हैं। बता दें आपको, श्राद्ध पक्ष शुरू होने के साथ ही रोजाना खीर जरूर बनाएं और इसे गरीब या फिर ब्राह्मण को खिलाएं। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है। गाय के गोबर के उपले को रोज घर में जलाएं। इन उपलों पर खीर से 3 बार आहुति जरूर दें। इसके बाद जल से भरा गिलास रखें और अगले दिन ये जल किसी वृक्ष में डाल दें। ये पिंड दान के समान कर्म बताया गया है। जब भी घर में कुछ बनाएं तो उससे पहले उसमें सबसे पहले गाय, काले कुत्ते, कौवे और चींटियों को जरूर उनके लिए निकाल दें। इसके बाद ब्राह्मण को कच्चा या पक्का भोजन जरूर कराएं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोज ना करा सकें तो फिर आपको फल, गुड़, शक्कर, सब्जी का दक्षिणा दान जरूर करना चाहिए। किसी नदी में काले तिल डालकर तर्पण करें, इससे भी पितृदोष खत्म होते हैं। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद पितरों को भी जल जरूर दें और उन्हें प्रणाम करें, इससे भी वो खुश होते हैं। श्राद्ध पक्ष में रोज पीपल पर जल चढ़ाने का काम जरूर ही करें, इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ये कुछ काम थे जो आपको श्राद्ध पक्ष के दौरान जरूर करने चाहिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।